आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड. सो आई हैव टेकन अ एग्जांपल. सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस एलपीपी विद द हेल्प ऑफ अ सिंप्लेक्स मेथड. ओके सी, सबसे पहले आपको एक कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे जो कि लेस देन इक्वल टू की कंडीशंस में होते हैं, और एक मिनिमल जेड या मैक्सिमम जेड गिवन होगा. ओके, और इस पूरी एलपीपी को आपको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है. सो माय डियर, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जस्ट यू विल देखिए, जो भी कॉन्स्टेंट आपको गिवन है, इन कॉन्स्टेंट्स को सबसे पहले मैं एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में लाना चाहता हूं. उसके लिए आप इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स. तो उसके लिए मुझे एक स्लैक वेरिएबल्स जो है ना इंट्रोड्यूस करने होंगे. अब स्लैक वेरिएबल्स क्या है, देखिए जो भी आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन है ना, अगर मैं लिखूं लाइक 3x प्लस 2y, अब देखिए लेस देन इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो मैं एक ऐसा वेरिएबल्स, एक ऐसी वेटेज यहां पे यूज करूंगा जिसकी वजह से ये दोनों जो इक्वेशन है मेरी इक्वल हो जाए. ठीक है ना, देखिए लेस देन इक्वल टू है तो इट मीन्स इधर वाला पार्ट मेरा लेफ्ट साइड वाला पार्ट पहले छोटा है, तो इट मीन्स मैं इसमें से कुछ ना कुछ एड कर दूं तो हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए. सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है वहां भी देखिए लेस देन इक्वल टू है और मैं चाहता हूं कि इक्वल टू हो जाए, तो इधर मुझे कुछ ना कुछ और ऐड करना होगा. तो मैंने दो जो है ना स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, एक किया है एस वन और दूसरा किया है मैंने एस टू. ओके, तो इसको करने से जो हमारा मिनिमल जेड है ना वो कैसा बन जाएगा, इट विल बिकम्स 14x प्लस 12y प्लस 0 ऑफ एस वन प्लस 0 ऑफ एस टू. तो जो स्लैक वेरिएबल्स आप इंट्रोड्यूस करोगे उनका वेटेज हमेशा 0-0 रहने वाला है. ओके, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है. नाउ इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, और आप इसको लिख सकते हो टेबल नंबर 1. तो जो क्वेश्चन है हमारा यहां से स्टार्ट होता है कि टेबल नंबर 1 जो है ना आपको बनानी है और उसमें आपको क्या काम करना है. देखिए जरा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पे सी जे. ओके, एंड सी जे के बाद है आपके पास कुछ बाउंड्री वैल्यूज, जिसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं सो आई विल राइट आउट बेसिक वैल्यू बी वी. तो यहां पे इसको मैं बेसिक वैल्यू भी लिखूंगा, इसको आप लिख सकते हैं बेसिक वैल्यूज. और इसके बाद मैं लिखूंगा सॉल्यूशन वैल्यूज, हियर यू विल राइट आउट सॉल्यूशन वैल्यूज. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो इसके नाम जरूर याद रखें, बेसिक वैल्यू देन सॉल्यूशन वैल्यूज. और यहां पे हम टेबल ड्रा कर लेते हैं. ओके, देखिए टेबल ड्रा करने के बाद यहां पे आप इसके ऊपर में टेबल्स की वैल्यू लिखना लिखूंगा. अब देखिए जो भी वैल्यूज हमने लिखी हैं यहां पे सी जे बी वी दैट इज बेसिक वेरिएबल्स. ओके, और एस वी का मतलब है सॉल्यूशन वैल्यूज. सो यहां पे लिखिए आपके पास जो वेरिएबल्स है ना वो है एक्स है, y है, s1 है और एक है s2. ओके, अब देखिए जो cj होता है ना वो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की एक टाइप से वेटेज होती है. जैसे यहां पे अगर मैं बेसिक वेरिएबल्स की बात करूं तो हमारे पास इस टाइम पे s1 और s2 हैं. जो भी आप स्लैक वेरिएबल्स लोगे उनको आपको यहां लिखना है. ओके, अब देखिए इनका वेटेज अगर मैं मिनिमम जेड से लूं तो मैं वेटेज लिख रहा हूं इसका कितना है, x के साथ कौन है वेरिएबल्स दैट इज x 14 और y के साथ कौन है 12, s1 का कौन है 0 और s2 का भी कौन है 0. तो यहां के जो वेटेज है s1 और s2 की वैल्यूज उसको आप यहां लिखेंगे सी जे में, दैट विल बी 0 एंड 0. ओके, सॉल्यूशन वैल्यू का मतलब होता है जो इक्वेशन के इक्वल टू में जो वैल्यू पड़ी हुई ना उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन वैल्यूज. वो क्या है 8 और 8, उसको आप यहां पे लिख दीजिए. ओके, नाउ अब देखिए उस इक्वेशन में से मैं पूरी वैल्यूज को यहां लिख रहा हूं, एक्स का वेरिएबल है 3, वाई का 2, एस वन का 1, एस टू का 0. एक्स का वेरिएबल है 2, वाई का वेरिएबल है 4, एस वन 0 है और एस टू क्या है 1 है.
तो सारी की सारी वैल्यूज आपको यहां लिख देनी है एज इट इज। ओके ओके, अब देखिए जरा, नाउ यहां पे आपको एक वेरिएबल्स कंसीडर करना है जिसको आप बोलोगे जेड जे। ओके, अब जेड जे का मतलब ये होता है कि आपकी जो सीजे कॉलम की वैल्यू है और आपकी जो सॉल्यूशन वैल्यूज है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और इसको ऐड करना। ओके, तो मैं यहां पे 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, तो उन दोनों को ऐड करके आपको यहां लिखना है। गेटिंग अ पॉइंट, जेड जे इज इक्वल टू दिस वन एंड एडिशन इज हियर। गेटिंग अ पॉइंट नाउ, अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये काम सब में ही करना है आपको, सिर्फ इसमें ही नहीं करना है। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, 302 की मल्टीप्लाई 0 से, ये भी 0 0 आया, और उसको आपको क्या करना है 0 माइनस ये वाली वैल्यू x की वैल्यू, इसको माइनस करना है। देखिए थोड़ा मैं आपको इजिली मैं आई विल राइट आउट हेयर, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, एंड दिस वन 0 एंड दिस वन आल्सो 0। ओके, बिकॉज इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अब देखिए यहां देखिए मैं एक और से कॉलम बनाता हूं, और यहां आपको लिखना है जेड जे माइनस सी जे। ओके, ध्यान दीजिएगा जेड जे माइनस सी जे एक नया कॉलम मैं बना रहा हूं यहां पे, और उसकी वैल्यूज को यहां लिख रहा हूं। देखिए कैसे लिखते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, जेड जे की वैल्यू 0 है, ओके, एंड हेयर सी जे, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट करते हैं। हेयर जेड जे इज इक्वल टू 0, ओके, एंड व्हाट अबाउट सी जे, सी जे इज 14 फॉर एक्स। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो वैल्यू आपने यहां निकाली है उसमें से आपको 14 को माइनस करना है। ओके, तो यहां पे लिखिए देखो 0 माइनस 14, तो यहां पे क्या आया आपके पास माइनस 14, या लिखोगे आप 0 माइनस 12, तो हेयर यू गॉट माइनस 12। यहां पे क्या लिखोगे 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0। ओके, अब देखिए नाउ जो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, जो कि मेरे पास ये आई है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, मोस्ट नेगेटिव, यानी कि मोस्ट नेगेटिव को आप ये भी लिख सकते हो ना, सबसे छोटी वैल्यू। ओके, सबसे छोटी वैल्यू को लिखो, चाहे आप मोस्ट नेगेटिव लिखो, एक ही बात है। तो दिस इज मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, दैट इज 14, तो 14 इज माई मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी उसको क्या बोलूंगा मैं, इंट्रो सॉरी इनकमिंग वेरिएबल है ये आपका, इनकमिंग वेक्टर है ये आपका। ओके, अब देखो इनकमिंग वेक्टर के बाद आपको क्या करना है, नाउ सी, जब आपका इनकमिंग वेक्टर मिल गया, सो जितनी भी वैल्यूज है ना आपके पास इनकमिंग वेक्टर में, वापिस चलते हैं, तो इनकमिंग वेक्टर कौन है आपका, एक्स है। अब आप यहां पे एक सीजे रोज लिखते हो, ठीक है ना, सीजे रो, उसमें क्या करते हैं, जो आपके पास सॉल्यूशन वेरिएबल्स हैं और जो आपकी रो बनी है, सॉरी जो आपका इनकमिंग वेक्टर बना है, जो आपका की कॉलम बना है, इसको आप की कॉलम भी बोल सकते हैं। ओके, इस की कॉलम वाले एलिमेंट्स को 8 से, जैसे इस एलिमेंट्स को 8 से डिवाइड कीजिए, तो यहां क्या लिखोगे 8/3, यहां क्या लिखोगे 8/2। अब इन दोनों में से भी स्मॉल कौन सा है, तो आई विल राइट आउट इट इज स्मॉल, तो इसको बोलूंगा मैं आउटगोइंग वेक्टर। तो देखिए इनकमिंग वेक्टर ये है, आउटगोइंग वेक्टर ये है, तो दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट बन रहा है वो है ये, और इसको क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, आई विल राइट आउट 3 इज अ की एलिमेंट, दिस इज नोन एज की एलिमेंट। ओके, आई होप सो कि आपको यहां तक जो है ना बात समझ में आई कि हमने एक्चुअली किया क्या। ओके, तो मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको टेबल जो पहली इनिशियल टेबल बनानी है उसके अंदर सबसे पहले आप सीजे लिखें, दोनों 0 0, उसके बाद बेसिक वेरिएबल्स लिखें, वो वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं S1 S2, और फिर इक्वल टू में जो वैल्यूज है उनको लिखना है, फिर ये इक्वेशन पूरी की पूरी 3 2 1 2 4 1 3 2 1 2 4 1 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद सुनिए, सबसे पहले जेड जे निकालना है आपको सबके लिए, तो 8 0 8 0 सम इज 0, 3 0 2 0 सम इज 0, इन सबका मैंने जेड जे है ना 0 0 आया, इनिशियल में हमेशा 0 आएगा। अब आपको निकालना है जेड जे माइनस सी जे, यानी कि 0 माइनस 14 माइनस 14, 0 माइनस 12 माइनस 12, और ये दोनों 0 के 0 रहेंगे। ओके,
अब देखिए, अब चलते हैं टेबल नंबर सेकंड में। देखिए और टेबल नंबर सेकंड में क्या होने वाला है, लेट्स सी। ओके, अब देखिए, अगेन आई विल राइट आउट हियर व्हाट दैट इज सीजे, बेसिक वेरिएबल्स और सॉल्यूशन वैल्यूज। और सॉल्यूशन वैल्यूज कौन कौन सी है अपने पास, दैट इज अगेन एक्स, वाई, एस वन और लास्ट है एस टू। ओके, अब देखिए सीजे, देखो सीजे में लिखा था पहले 0 0। सबसे पहले जब भी आपको नई टेबल बनानी है ना, जिसमें टेबल टू की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज योर टेबल नंबर सेकंड, ओके, दिस वाज टेबल नंबर फर्स्ट। जब भी आपको टेबल सेकंड में जाना है, सबसे पहली जो चीज लिखनी है वो लिखनी है आपको बेसिक वेरिएबल्स। अब सुनो, बेसिक वेरिएबल्स क्या थे आपके पास, एस वन और एस टू थे। यहां हमने क्या करा, आपका इनकमिंग वैक्टर हो गया कौन, एक्स, और आउटगोइंग वैक्टर कौन हो गया, एस वन। तो ये तो बाहर चला गया और x जो है ना वो इनकमिंग हो गया, तो s1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। ओके, यहां वाले में कोई चेंज नहीं है तो इसको आप सिंपली s2 लिखोगे, नो प्रॉब्लम। इसको क्लोज कीजिए। ओके, एक कॉलम और बनाते हैं। अब देखिए, अब देखो x का जो वेटेज है ना, x की जो वैल्यू है वो देखिए, x की वैल्यू कितनी थी, 14। तो आप यहां लिखेंगे cj कितना आ गया, 14। S2 की वैल्यू पहले भी 0 थी, अब भी 0 रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है। अब उसके बाद है यहां पे सॉल्यूशन वैल्यूज। सॉल्यूशन वैल्यूज पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन वैल्यू क्या चेंज होंगी। सॉल्यूशन वैल्यूज की बात करें तो पहले जो सॉल्यूशन वैल्यू थी ना, वो सॉल्यूशन वैल्यू थी हमारे पास 8 और 8। तो अब भी क्या वैल्यूज वही रहने वाली है, डेफिनेटली वैल्यूज वही रहने वाली, बट थोड़ा सा यहां पर चेंज आने वाला है। और वो देखिए क्या चेंज आने वाला है, सुनो। जब भी आपके पास की एलिमेंट आ गया ना, आपको इस की एलिमेंट से न्यू की रो बनानी है। सो आई एम जनरेटिंग न्यू की रो, वो कैसे बनानी है, जस्ट राइटिंग हेयर। की रो का क्या काम होता है कि जो आपके पास की एलिमेंट है ना, वो रो ही आपकी की रो होती है। उस की रो के लिए ना, जो ये एलिमेंट आ जाता है की एलिमेंट, उसको आपको वन बनाना है। तो यानी कि इस पूरी रो को आपको वन तब बनेगा ना, जब इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दो। तो की रो देखो क्या बन गई, मेरा पहला एलिमेंट क्या बन गया, 8/3। दूसरा क्या बन गया, 1, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। तीसरा क्या बन गया, 2/3। अगला क्या बन गया, 1/3। अगला क्या बन गया, 0/3। ये बन गई मेरी की रो गाइस। इस की रो को मैं वापिस जो है ना रिप्लेस कर रहा हूं इस की रो को। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस की रो जहां हमें इसकी जरूरत है, और इस की रो को वापस यहां रिप्लेस कर दीजिए। ये बन जाएगा 8/3, ये 1, ये आ गया 2/3, ये 1/3, और ये बन गया 0। ओके, अब सुनिए बात। अब की रो अगर बन जाती है, जब की रो से आपको जो की एलिमेंट होता है ना, उस एलिमेंट्स के नीचे या ऊपर कोई भी अगर एलिमेंट पड़ा हो, वो हमेशा 0 बनना चाहिए। अब देखो वो एलिमेंट आप 0 कैसे बनाते हैं। उस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आप क्या कीजिए, मैं इस की रो का यूज करूंगा, ठीक है ना। अब इस की रो का यूज कैसे करना है, देखो जरा मैं क्या करता हूं, इस की रो से इस की रो को मैं ऑपरेट करता हूं कि आप क्या कीजिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2, तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके पूरी रो को इसमें से माइनस कर रहा हूं। ओके, देखो पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते चले जाता हूं, देखो कैसे। मैं इस पूरे एलिमेंट्स को दोबारा लिख रहा हूं। पहले हमें, अब देखो यहां पे मैं R2 चाहता हूं, R2, पहले R2 क्या है आपके पास, पहला एलिमेंट है 8, दूसरा है 2, तीसरा है 4, फिर है 0 और फिर है 1। तो मैंने कहा कि आपको इस एलिमेंट को 1 बनाना है, सॉरी 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो की रो की हेल्प ले रहा हूं मैं कैसे, देखो। यू विल यूज इस पूरे
को अगर मैं इसको टू से माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो क्या एलिमेंट जीरो बन जाएगा। तो सेम काम करते हैं, तो की एलिमेंट इधर कौन है, यहां पे था 8/3, इसका है 1, यहां है 2/3 और यहां है 1/3 और यहां है 0। ओके देखो क्या कर रहे हैं, सुनो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी रो को माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे आप लगाइए प्लस और यहां लगाइए माइनस टू। ओके प्लस और यहां लगाइए आप माइनस टू, प्लस और यहां लगाइए आप माइनस टू। पूरी रो को मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रो को, और ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा तो जीरो बन जाएगा, और वही बना रहा हूं मैं, तो ये बन जाएंगे माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई किया और ऐड कर रहा हूं, तो -16/3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितने हो जाएंगे, -16/3 तो 324, एंड इट विल बिकम्स अगेन 8/3। तो मैं फिर से यहां 8/3 लिख रहा हूं। ओके ये एलिमेंट तो जीरो बनना है, इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, जीरो बनेगा डेफिनेटली। यहां पे भी एलिमेंट बनेगा, दैट विल बिकम्स 8/3। यहां बनेगा आपका एलिमेंट -2/3। आप इसको बिल्कुल सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिएगा। ये देखिए 1 -0, दैट विल बिकम्स 1। अब सुनो बात, यहां पे मैंने कहा था कि आपको क्या बनाना है, आपको जेड जे बनाना है। जेड जे के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड करना है। तो 14 को 8/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा नियर अबाउट 112/3। ओके अगला एलिमेंट बनेगा आपका 14, देख लीजिए 14 को इससे मल्टीप्लाई, 0 किससे मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 14 बनेगा। दूसरा एलिमेंट बनेगा आपका 28/3, ठीक है ना, और तीसरा एलिमेंट बनेगा आपका 14/3, और चौथा एलिमेंट बनेगा आपका क्या, 0 बनने वाला है। ओके अब देखिए, फिर मैंने आपको कहा कि यहां पे आपको क्या करना है, हियर यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे इसके भी आप वापिस में वैल्यू लिख रहा हूं, 14 है, फिर है 12, यहां 0 और यहां 0। तो गाइस 14 -14 जीरो हो जाएगा, 28/3 -12 ये बन जाएंगे आपके -8/3, और 14/3 -0 ये बन जाएंगे 14/3, और 0 -0 क्या बन जाएगा, 0 ही बना जाएगा। ओके सो आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आई। अब मैंने कहा था मोस्ट नेगेटिव उठाना है आपको, तो अब मोस्ट नेगेटिव कौन है आपके अकॉर्डिंग, डेफिनेटली मोस्ट नेगेटिव कौन है, 8/-8/3, तो -8/3 को उठाइए यहां से, और -8/3 अगर मोस्ट नेगेटिव है तो ये आपका हो गया इनकमिंग वेक्टर। अब इनकमिंग वेक्टर से आपको एक की कॉलम मिल जाता है, अब की कॉलम से आप इसको डिवाइड करते हो। देखिए कैसे, जो 8/3 है उसको डिवाइड करो किससे, 2/3 से। यहां भी 8/3 है, उसको डिवाइड करो किससे, 8/3 से। यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा शायद 4। ओके 1 एंड 4, तो गाइस ये जो वैल्यूज है ना, ये छोटी वैल्यू है, तो ये क्या होगा आपका, आउटगोइंग वेक्टर होगा, दिस विल बी आउटगोइंग वेक्टर। ओके और समझ में आया आपको, यानी कि इस एलिमेंट, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, दोनों में से जो छोटी वैल्यू देगा वो आउटगोइंग वेक्टर, और यहां ये सबसे बड़ा नेगेटिव इनकमिंग वेक्टर, और दोनों का जो कॉमन है उसको क्या बोलते हैं, फिर से की वेक्टर और की एलिमेंट, ठीक है। ये थी दो टेबल, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस। ओके सी, ये थी हमारी टेबल सेकंड। ओके नाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम आवर टेबल नंबर थर्ड। ओके अब देखिए टेबल नंबर थर्ड में आपको क्या काम करना है, प्रोसेस देखो, पहली टेबल से लेके एट द एंड द प्रोसेस विल बी द सेम। सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले ये मेरा इनकमिंग वेक्टर था और वो उसके बाद आउटगोइंग वेक्टर हुआ, ये हमने पिछली टेबल में सीखा। तो इसको मैंने क्या बोला, दैट इज अवर की एलिमेंट, एंड 8/3 इज की एलिमेंट। तो देखो की एलिमेंट वो है मेरा 8/3। जो की एलिमेंट होता है ना, उस की एलिमेंट से जो नई रो बनती है, जैसे ये इसको मान लीजिए कि मैं यहां बात करूंगा R1 की और यहां बात करूंगा R2 की, तो की एलिमेंट मेरा R2 में, तो जो R2 है ना वो मेरी की रो हो गई,
तो आर टू क्या बन गई आपकी, की रो बन गई। तो जो की रो बन गई ना, उसको आपको बनाना होता है न्यू की रो, ठीक है, जिसको मैं आर टू बोल रहा हूं। वो पुरानी टेबल थी, नई टेबल के लिए जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो नया आपका आर टू बनता है, उसके लिए जो की एलिमेंट है ना, इस की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड करना होता है। और उसका रीजन ये है कि यहां पे आपको वन बनाना है, ओके। तो देखो नई जो की रो है, मैं पूरी 8x3 से इस पूरी रो को डिवाइड कर रहा हूं, देखो। और यहां से स्टार्ट करना है आपको, तो 8x3 से यहां डिवाइड करूंगा वन बनेगा, और जीरो से डिवाइड करूंगा तो जीरो रहेगी, फिर 8x3 है तो यहां भी वन बनेगा इसकी जगह, और -2/3 देखिए, और मैं सिंपली कैलकुलेट भी करते चले जाऊंगा, -2/3 को 8x3 से आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा -1/4, ठीक है ना। सो इट विल बिकम्स -1/4, और लास्ट में फिर है 1/8/3, और ये इट विल बिकम्स 3/8। तो माय डियर, ये आपकी न्यू की रो है जिसको हमने आर टू लिख रहे हैं, ओके। तो इस पूरी रो को आपको यहां पे सेम लिखना है, तो यहां से मैं लिख देता हूं 1, फिर 0 आएगा, और फिर आएगा एलिमेंट आपका 1, और फिर आएगा आपका एलिमेंट, देखिए 1 यहां आया, 0 यहां, 1 यहां, एंड देन -1/4, एंड देन 3/8, ओके। जो नई की रो है ना आपकी, वो हो बन चुकी है। और यहां पे हमने क्या दिखा था कि जो एंटरिंग एलिमेंट है वो कौन है, y है। तो y एंटरिंग एलिमेंट है किसकी जगह पे, s2 की जगह पे। तो यहां पे जो आपने s2 लिखा था, तो यहां पे तो x रहेगा, यहां y आ जाएगा, ओके। सॉरी, बेसिक वेरिएबल्स में यहां x है, यहां y आ जाएगा। x की वैल्यू क्या थी, 14, और मैं दोबारा भी यहां लिख देता हूं, 14 है, उसके बाद 12 है, यहां 0 है, यहां भी 0 है, और y की वैल्यू क्या आएगी, ये 12 आएगी, ओके। नाउ सी, अब मुझे बनानी है R1। अब R1 को बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाते हैं R1। सो R1 के लिए मैंने आपको ये कहा कि जो भी आपकी पुरानी R1 है ना, पहले आप उस R1 को लिख लीजिए, ठीक है ना। उस R1 को मैं लिख रहा हूं, जो पहले वाली R1 थी वो थी मेरी 8x3, 1, 2x3, 1, 3, 1/0। अब जो न्यू R1 आपको बनानी है ना, वो बनानी है की एलिमेंट की हेल्प से। देखो, जो की एलिमेंट होता है यहां पे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होता है दूसरी रो में, यहां 0 बनाना होता है आपको, ठीक है। तो यहां देखिए 0 कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस पूरी रो को मैंने ये रो बनाई। अब इस रो की हेल्प से आप इसका ऑपरेशन यहां यूज करेंगे, तो देखिए यहां 1 है और यहां है 2/3, तो आपको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी रो में से, इस पूरी रो में से मैं इसको 0 बना, और इस रो को ही ऑपरेट करना है आपको, ओके। सो आई विल डू वन थिंग, मैं इस एलिमेंट से 2/3 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं। देखो पहले इसको 1 बना लेते हैं, तो 1 बनाने की, तो जो एलिमेंट पड़ा है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस ही तो करना है। तो जस्ट सी, तो आपका जो नया R1 है ना, वो कैसा बन रहा है देखिए जरा, 8/3, ओके। और मैंने कहा कि यहां मुझे माइनस करना है, किससे मल्टीप्लाई, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है इस रो, सॉरी इसको, और ये कौन है मेरे पास, 1। दूसरा एलिमेंट देखिए, दूसरा एलिमेंट कौन है, 0 -2/3, सॉरी दूसरा एलिमेंट है 1, इस रो का एलिमेंट, इसमें चेंज कर देना, 1 -2/3 इंटू में 0। तीसरा एलिमेंट कौन है मेरा, 1, सॉरी तीसरा एलिमेंट है मेरा 2/3, तो 2/3 -2/3 इंटू 1, ओके। अगला एलिमेंट है मेरा 1/3, सो 1/3 को यहां लिख लेते हैं, 1/3 -2/3 इंटू, और यहां एलिमेंट कौन है मेरा, -1/3, ओके। और लास्ट एलिमेंट है मेरा 0 -2/3 और 3/8। अब ध्यान से देखो, आपको हमेशा ना दूसरी रो को ऑपरेट करना होता है, और कैसे करना है, पहले हमने की रो लिख ली, इस की रो से इस वाली की रो को बनाना है, यानी कि रो 1 को बनाना है। रो 1 को बनाने के लिए आपने पूरी रो 1 के एलिमेंट को लिख लिया, 8/3, 1, 2/3, 1/3 एंड 0, ओके। उसके बाद क्या कीजिए, इस पूरी रो के एलिमेंट को लिख लीजिए, 1, 0, 1, -1/4, 3/8,
सभी लिख लिए। अब आपको पता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां जीरो तब बन सकता है जब मैं इस वन को -2/3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं, तो यानी कि, और देखना सिर्फ इसी को, यहां जीरो बनाना है आपको, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो -2/3 + 2/3 जीरो हो जाएगा। तो फिर यहां से मुझे आइडिया मिला कि मैं -2/3 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो जीरो बन जाएगा, तो वो मैंने -2/3, -2/3, -2/3 सब में अप्लाई कर दिया और इससे हेल्प ये मिली कि ये एलिमेंट मेरा जीरो बन जाएगा। अब देखो बाकी एलिमेंट भी क्या बने, जो मेरी रो वन है, व्हाट इज द चेंज इन रो वन, यहां से देखिए 2/3, 8 - 2, 6, 6/3 ये बन गया मेरे पास 2। ठीक है जी, ये हो जाएगा 1 - 0 तो ये रह जाएगा 1। 2 - 3, 2 - 3 ये हो जाएगा 0। 1/3 माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 × 3 = 12 और इट विल बिकम्स 1/3 + 2, 6 बना लेते हैं इसको 1/6 एंड इट विल बिकम्स 3/6 यानी कि 2 और 0 - 3 से 3 cancel 2, 1/4 तो इट विल बिकम्स -1/4। ओके, जब आपका यहां पे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप बन जाए ना, समझ लो कि आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और ये मेरी शेप बन चुकी है 1001। अब देखो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, सो ZJ मैंने आपको प्रोसेस बताया कि हाउ यू कैन फाइंड आउट ZJ, 2 की मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई इससे और दोनों को ऐड करना है, तो 14 × 2 = 28 + 12 इट विल बिकम्स 40। ZJ मेरा बन गया 40, 14 और 0 ये बन जाएगा 14, ये पूरी वैल्यू वही आएगी और ये बन जाएगा 12। ओके, यहां पे देखिए 14 × 2 = 28, 28 और -k 3 ये बन जाएंगे 25 + k, यहां देखिए 1/4 सो इट विल बिकम 7/2 -7/2 और ये बन जाएंगे आपके पास +k 3/9/2 ओके एंड इट विल बिकम्स 2/2 एंड इट विल बिकम्स 1। ओके, देखो अब मैं कर रहा हूं ZJ - CJ, ध्यान दीजिएगा ZJ - CJ 14 - 14 0, 12 - 12 0, 25 और 1 - 0 = 1, तो यहां पे कोई भी आपका मोस्ट नेगेटिव नहीं है, देर इज नो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इज देर। अगर आपकी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स आपकी जो सिंपलेक्स सॉल्यूशन है, जो टेबल है, वो आपको यहीं तक फाइंड आउट करना था। ओके, अब बात आई है ZJ की वैल्यू, तो गाइस ZJ की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 40, इफ ZJ इज इक्वल टू 40। ओके, और जो स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आपके पास उनकी वैल्यूज, दैट इज 25 एंड 1, सो हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम मिनिमाइज जेड, दैट इज इक्वल टू 40। सो दैट दिस वॉज अ सिंप्लेक्स सॉल्यूशन।